हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए आवाज हाँ हाँ आ रही है ना हाँ जी आ रही है पांडे जी क्या हाल मम्मी पीछे हाँ। से टमा हाँ। हाँ। मतलब मैं आज आज के टॉपिक पे तो मतलब बोलना चाहता हूँ अरे ये बताओ आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज क्यों नहीं किया मैंने मैसेज किया पढ़ी आप देखिए अच्छा मैं अभी तुरंत देखता हूं यार एक मिनट रुको यहीं रुको आप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में होगा आई थिंक रिक्वेस्ट में चेक कर लेना इनका हाँ हाँ मैं देखता हूँ नहीं उसमें भी चेक कर रहा था मैं पहले तक तो नहीं था अभी हो सकता है किया हो इन्होंने ये बताओ यार पांडे जी हाँ तो आप तो कॉलेज में पढ़ते हो ना हाँ तो एक लाख कहाँ से लाओगे हाँ वो मेरे डैड ने स्पॉन्सर किए अच्छा अच्छा आपके पापा देंगे हाँ 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 ये है अच्छा यार आपने देखो देखो अच्छा आपने पहले किया था मेरे को मैसेज उसमें फिर आपने लिख दिया यू हैव नो गट्स टू डिबेट ऑन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म वाह वाह चलो भाई ये मैसेज मैंने आपका एक्सेप्ट कर लिया ये हाय बोल दी है आपको बाकी धुलाई आपकी यहाँ कर लेंगे हाँ भैया बताइए क्या बात आ, हाँ, है क्या मत... बताएंगे आज तो आज की हाँ, मतलब टॉपिक जो आज का जो मतलब वो, कर दिया। हाँ ओके आज का जो मतलब टॉपिक था आपका जो आपने बताया था वन सिस्टम का जो आ, मैत्री आ, मैम का जो था हम्म ये जो सेम जो आ, जो उन्होंने बताया ना ये सेम चीज मैंने साइंस जर्नी सर के कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन की हुई है ये सेम चीज मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्या एक्सप्लेन की है क्या आप धर्म गुरु हैं जो वन सिस्टम का जो उन्होंने बताया धर्म गुरु है क्या आप धर्म गुरु हैं अरे क्या आप धर्म गुरु हैं अरे मेरे भाई नहीं, क्या नहीं। आप धर्म गुरु है नहीं नहीं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई होता है, सेम होता है जो चलो एक शूद्र का नाम बताओ जो ब्राह्मण बनाओ चलो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ जो न्यूटन जी न्यूटन जी वो ये मान रहे हैं कि कर्म से नहीं जन्म से ही होता है ब्राह्मण अच्छा होता है ना Hmm. तो ये चीज मैंने सेम एक्सप्लेन किया है तो इसलिए मैं मतलब जो भी बोलता हूँ कभी झूठ नहीं बोलता हूँ मतलब बोलना चाह रहा था आपको तो उस hmm. दिन भी जब मैं रामायण का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो मैं प्रॉपर ये सब आ, अच्छा, के उसमें सिखा, मतलब नहीं नहीं आप तो एकदम ठीक बोल रहे थे ना नहीं पांडे जी आप तो बोल रहे थे आप आपने कहा जैसा लिखा है कि राम जी का लिंग पतला है आपने बोला हाँ पतला है मैंने तो उस दिन भी आपको नहीं कहा था कि आप झूठ बोले आप तो एग्जैक्टली मान ही रहे थे लगातार राम जी का पतला है हनुमान जी का पतला है कृष्ण जी का पतला है भगवान शंकर का पतला है सबको पतला आपने बताया आपके जितने देवता है मतलब आपका एक सिंगल देवता का नाम निकाल दो भाई जो आइडियल वॉरियर नहीं है सभी को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया उस दिन और आपने कहा कि सबके लिंग पतले तो मैं तो उसी दिन मान लिया था तो ये तो आपसे ये वाली बात थोड़ी ना थी मैं मेरा आपसे इस बात पे तो विरोधी नहीं कि आप नहीं माने आप तो माने कि आपके सारे देवी आपके सारे देवताओं का लिंग पतला पतला सा है जी, ये। तो कोई बात ही नहीं थी ना पांडे जी आप तो बल्कि एक्चुअली मैं वो तो... जो नहीं नहीं वो जो मैम जो आई थी ना ठीक हुँ. है वो भी आपके ही जैसी हैं वो एग्जेक्टली exactly वही बोल रही हैं जो आपके हिंदू धर्म में लिखा हुआ है हाँ, हाँ आपके हिंदू धर्म में लिखा है कि हनुमान जी बता रहे हैं सीता को कि राम जी का लिंग पतला है आपने बोला हाँ है और बिल्कुल उसी तरीके से वो मैम ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ जाति जो है जन्म से होती कर्म से नहीं होती जो सही बात है हाँ, जन्म से होती है ये आपको ये आपके ऊपर ना झूठ बोलने का आरोप किसी ने नहीं, नहीं लगाया पांडे जी नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा, रहा।, मैं मतलब मैं मैं रहा। तो मैं ना मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ जिस समय बोल बोले, बोले।, बोले राम जी का लिंग पतला है मैं उसी समय समझ गया कि भाई मेरा राज पांडे भाई बहुत सच्चा इंसान है तो मतलब हनुमान जी ने मतलब वो नहीं बोला था वो उन्होंने सिर्फ कोट किया था वहां का श्लोक जिसको एलोबरेट किया है आ, पब्लिशर ने यार आप तो उस दिन बोले ना कि राम जी आइडियल वॉरियर और आइडियल वॉरियर का लिंग पतला होता है हाँ जैसे कि हम लोग अगर बोले कि मैं जिम तो में आज अपर बॉडी मार रहा हूँ तो अपर बॉडी में सारे पार्ट आप आइडियल वॉरियर हो क्या मैं नहीं नहीं मैं कहा से वॉरियर तो फिर अब समझ गया मैं आपका लिंक कैसे चलो अमित जी इसमें अच्छा ये बताओ हाँ 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 बताओ न्यूटन हाँ छोटा सा ही पॉइंट है राम जी कि देखिए वहां पर हनुमान जी ने सीता जी को ये बोलते हैं कि चौदह अंग चौदह अंग के हिसाब से मतलब वो चौदह अंगों की बात वो करते हैं तो देखिए अब जो चिकने होने की जो बात है वो तो जैसे आप डॉक्टर के पास आप फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं तो आपका बीपी चेक करेगा है ना आपका यूरिन चेक करेगा सब चीज़ चेक करने के बाद वो फिटनेस आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट देगा तो आप ये रहे कि हनुमान जी ने उनका लिंग चेक नहीं किया लिंग नहीं देखा तो उन्होंने सीता जी को बोला कि तो मैंने तो मैंने लिंग भी देखा है चौदह चौदह अंग के अनुसार मतलब यहाँ पर हनुमान जी झूठ बोल दिए सीता से क्या हनुमान जी नहीं, जी नहीं, नहीं उन्होंने सिर्फ नहीं, नहीं, न्यूटन सर ये आगे बढ़ के थोड़ा इन्होंने ये कहा है राज पांडे भाई ने मैं इनकी बात को कह रहा हूँ इन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो आइडियल वॉरियर होता है उसकी ये 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 उसके अंदर में शारीरिक गुण होते हैं उसमें एक गुण है उसका लिंग पतला होगा समझो आप इस बात को ना तो इस आ, तो लिहाज से अगर ना, ना, वो चेक तो किए नहीं तभी तो, तो, तो नहीं कहा नहीं ना? हम ऐसा करते हैं ना न्यूटन सर इनकी नहीं इनकी इनकी कही बात को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और गणेश जी शंकर जी ब्रह्मा विष्णु भगवान के आ, अपना इंद्र इनका है ना और जितने देवी देवता वायु पवन सूर्य जितने भी हैं भाई हनुमान जी और वो एक ठोक इच्छा घूमता है वो जामवंत है ना वराह एक ठोक तो सुअर घूमता है वो एक क्या नाम है यार वो शेर के मुंह वाला नरसिंह अवतार सबके लिंग पतले पतले हैं भैया मैं तो ऐसे ही मान लिया हूं राज पांडे भाई से बात करके क्यों भाई पांडे जी नहीं वो तो उस, उस खाली डिस्क्रिप्शन राम के लिए दिया गया है ना वो तो यानी आप राम का ही लिंग पतला कराओगे यार बस मतलब सिर्फ वही आइडियल वॉरियर होंगे मतलब सिर्फ लिंग नहीं है ना वहाँ पे आप सिर्फ लिंग को ही पकड़ के बैठे हुए हो ना पूरा फुल बॉडी डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें यार लिंग को शायद हनुमान जी पकड़े होंगे ना तभी तो पतला उनको पता चला कोई पतला था कि नहीं नहीं उन्होंने उन्होंने तो सिर्फ वही कोट किया है जो जो शास्त्र में बताया गया वर्णन अच्छा किया गया लक्ष्मण है बोरी ये आइडियल वॉरियर थे क्या लक्ष्मण अभी अभी आप इसलिए तो है ना आप कुतर कुतर करते हो फिर आप नहीं अरे ने 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 मैं यार मैं तो सवाल पूछा भाई हाँ बस थे क्या राम जी हाँ, मतलब देखिए दोनों भाइयों का लिंक पतला पतला चौदह अंगली चौदह अंग उन्होंने मतलब कहा है सीता जी को ठीक है तो चौदह अंगों हाँ. के बारे में उन्होंने ये भी कहा स्निग्ध शब्द भी आया जैसे कि डॉक्टर उन्होंने बताया था कि चिकने होने की भी बातें आई थी तो जितना इंटिपेट ज्ञान हनुमान जी को है तो यह तो हनुमान जी ने चेक किया है उस चीज की उन्होंने उन्होंने कोट किया है सीता से उन्होंने कोट किया है जो शास्त्रों में शास्त्रों में बॉडी फीचर्स के ऊपर तो उन्होंने वो कोट किया है उन्होंने चेक नहीं किया था मतलब राम को झूठ बोल दिया सीता को नहीं मतलब जैसे हम लोग किसी को बोलेंगे कि अगर एक एथलीट की बॉडी कैसी होती है उसकी बॉडी एथलीट की है बॉडी आइडियल वॉरियर की बॉडी में लिंग पतला होता है

वो तो किसी तो पे भी हो सकता है ना ना राम 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 ही स्पेशल स्पेशल सीता ने पूछा कि राम का बताओ तो राम के हाँ, बारे में उन्होंने चीज बताई आप तो जनरलाइज बात बता रहे हैं हाँ तो वही मतलब कि ऐसा बताया गया कि वो उस तरह के वॉरियर थे ज, 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 तो जो बात उनका, हाँ, जो उनका जो फीचर्स हैं वो शास्त्र में होता है ना तो शास्त्र में जो वर्णन दिया है वो राम के लिए नहीं है वो एक जनरलाइज बात है हाँ, एक वारियर क्लास की बात हो रही है हाँ, पर यहाँ पर सीता ने हनुमान से स्पेशली राम के बारे में पूछा था और वो जो वर्णन है वो राम के बारे में है ठीक है वो एक हाँ, के बारे में नहीं है ठीक हाँ, है और राम के बारे में अगर वो वर्णन है इसका मतलब हनुमान हाँ, ने या तो चेक किया है या तो झूठ बोल रहे हैं नहीं नहीं दोनों भी नहीं है मतलब उन्होंने उन्होंने उनके नजरों में क्या राम एक आइडियल नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 देखिए तो, अब जनरलाइज बात नहीं हो रही ना राम की स्पेसिफिकली बात हो रही है तो जैसे मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि अ, मेरे मतलब भाई का डिस्क्रिप्शन दे अगर मुझे पता है कि मेरा भाई एकदम एथलीट है तो मैं बोलूंगा ना मेरे भाई की बॉडी एथलीट जैसी है तो बोल लिंग पतला ऐसा नहीं, नहीं, नहीं तो उसमें राम के बारे भाई पांडे जी पांडे जी पा ये पांडे जी ये कह सकते हो कि पतला है लेकिन चिकना कैसे पता करोगे भाई ये 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 वो वो तो उसपे लिखा हुआ है ना जो शास्त्र में लिखा हुआ होगा यार कौन से समुद्र शास्त्र में दिखाइए चलिए दिखा पर पर दिखाइए कि चले मानता हूँ मैंने तो मैं यहाँ राम के बारे में पूछा था ना तो डिस्क्रिप्शन तो राम के ऊपर भी है ना तो हनुमान जी को चौदह अंगों के बारे में पता कैसे चला वो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया किसने ये बताइए ना आप डॉक्टर को भी पता रहता है कि ये फिट बॉडी कैसे रहती है पर आप फिटनेस टेस्ट ले जाते हैं डॉक्टर चेकअप करता करता है है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब हनुमान जी बता रहे हैं कि चिकना है वो बात हनुमान जी को पता कैसे चली वो, मैं वो बोल रहा ना कि उन्होंने को, वहां से कोट किया है की कि जो, जो ऐसा तो, हनुमान जी जो है, उनको पता कैसे तो वो नहीं सीधा उन्होंने बताया ये राम जी की कोट किया है ना वहां से नहीं तो समुद्र शास्त्र का वहां वर्णन नहीं है ना वहां राम का वर्णन हो रहा है मेरे भाई, भाई समुद्र है। या, ये नहीं लिखा, रहा है, कि, सुनो भाई भाई ये नहीं लिखा है हाँ वो ये नहीं वहां ये नहीं लिखा है कि कोई वॉरियर की वो जैसे बॉडी है वहां राम की बॉडी की बात हो रही है तो वहा राम के चौदह अंगों की बात हो रही है तो मेरा सवाल ये है क्या हनुमान झूठ बोल रहे थे या हनुमान ने चेक किया था आ, नहीं समुद्री का शास्त्र का कैसे मालूम पड़ता है क्योंकि वहीं पे उसी में राम राम की बात हो रखा है जिनमें दत्त नायक का स्वभाव विद्यमान था जिनके बाण विश्वधर सर्प के समान भयंकर थे जिनके प्रत्येक अंग समुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले आप समझा आप उन्होंने उस जो समुद्रिक शास्त्र में जो लक्षित थे वो उन्होंने बताया वहाँ पे ये ये किसने लिखा ये ये किसके वचन है जो ये जो आपने जो स्टार्टिंग के बारे में बताया कि वाल्मीकि जी के वचन है या कोई कह रहा है हाँ, वाल्मीकि जी के वचन है ना तो हाँ, मतलब वाल्मीकि जी को तो पता था वो तो सर्वज्ञ थे पर क्या हनुमान जी हाँ, ने चेक किया था राम को ये बताइए ना नहीं हनुमान जी अपने शास्त्र पढ़े होंगे ना तो उनको क्योंकि वो भविष्य भी, भी तो 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 काल वर्तमान काल तीनों को ज्ञात ठीक हाँ. है ठीक है सही है पर हाँ, हनुमान जी तो हनुमान हनुमान जी जो थे वो तो उस कथा में थे है ना जो उनके साथ होने वाला था या हो गया था तो हनुमान जी को तो ये ज्ञात नहीं था ना तो वो ज्ञात नहीं

पड़ा है फिर यार तो यार राम की, बात, की बात, बात हो रही है ना वहां किसी वॉरियर की बात नहीं हो रही है ना हाँ वॉरियर हाँ, तो लिखा वो, है वो, वो उनको तो तो उसी तरे से से नहीं होगा ना, ना सुनिए ना आप आप जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या मान्य नहीं है ना हम जो लिखा है उसके आधार पे बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे श्लोक देखेंगे ना तो जो नहीं नहीं आप आप व्याख्या कर रहे हैं चलिए आगे श्लोक चलिए

हाँ, अंग, उन्होंने बोला बस खाली पर चोड़ा अंग चोड़ा कौन -कौन के बारे से पता नहीं था मतलब झूठ बोल दिया उन्होंने नहीं चौदह अंक सिर्फ नंबर दिए उन्होंने खाली चौदह अंग थे तो चौदह अंग थे वो चौदह अंग में शिश्न नहीं आता भी ये कह रहे हैं नहीं आता है ना उसमें वो शिश्ना जी हाँ तो हनुमान जी को शिश्न के बारे में पता कैसे चला राम के

हाँ, लक्ष्मण का फिटनेस टेस्ट कहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट लक्ष्मण का बताइए उनका उनका वर्णन नहीं आया ना उसमें क्योंकि उनको ये बोला गया है ना उनको सेम तो, बताया हनुमान गया है जी, हनुमान हनुमान जी, को तो हनुमान, नहीं तो हनुमान जी को तो आ, उनका भी फिटनेस टेस्ट देना चाहिए था उनके भी चौदह अंगों का वर्णन करना चाहिए था उनका क्यों नहीं किया नहीं उनका उनको बोला गया लक्ष्मण जी को बोला गया सेम टू सेम एज अ राम है सिर्फ कलर का डिफरेंस है हाँ तो उनसे कम्पेरिजन की गई ना पर यहाँ जो लिखा गया है ये तो स्पेशली राम के लिए लिखा गया है यहाँ किसी हाँ। वर्ण की बात तो नहीं हो रही है तो अगर यहाँ राम की वो... स्पेशली बात हो रही है मतलब राम का यहाँ पर चौदह अंगों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है चौदह अंगों की बात की जा रही है इससे मतलब हनुमान जी को राम के चौदह अंगों के बारे में पता था या तो राम जी या तो हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं नहीं जैसे अभी हम किसी को किसी लड़की का डिस्क्रिप्शन दे देना चाहेंगे यहां नहीं की मतलब की बात नहीं हो रही है मेरे भाई ना दे रहा हो रही है, जैसे जैसे है वो कोई पूछेगा बोले भाई के लंबे है मेरे भाई की आंखें है, है। अपने भाई का राम का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अब कहा समुद्र समुद्र शास्त्र पे ले जा ले जा रहे हैं बात हनुमान जी सुनिए हनुमान जी ने जब यहाँ कह दिया चौदह अंग की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी को राम के चौदह अंगों के बारे में पता था नहीं तो आप ये मानिए

अभी तो, को कोड़ कोड़ बार बार अभी तो मैंने आपको कोट किया एक करिए रामायण में समुद्र शास्त्र की बात है जाइए लेके आइए अभी तो मैंने आपको कोट किया ना एक बार समुद्र शास्त्र लिखा हुआ है अरे तो ले तो लेके तो आओ ना शब्द ही नहीं है ना ये जिनके प्रत्येक अंग समुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था ये कोट तो कर रहा हूँ मैं आपको ये कौन सा अरे भाई मान ली है भाई राम जी का लिंग पतला था यार

अच्छा चलो एक आप नहीं मानते ना नहीं चलो ठीक है कहानी सुन, सुन लो अच्छा चलो नहीं मानते एक कहानी को सुनो फिर हम आप और मैं दोनों भाई बैठ के पता करेंगे शंकर जी का कैसा था ठीक है है नहीं वो कहानी मुझे पता है, मैं देख चुका सुनो सुनो ना सुनो, अरे दूसरी वाली सुना रहा हूँ वो वाली नहीं सुना रहा हूँ देही वाली दूसरी सुना रहा हूँ सुनो ये शिव पुराण की कहानी है ना दारूवन नाम का एक उपवन था जिसमें भृगु ऋषि का आश्रम था उसमें बहुत से शिव भक्त तपस्वी जन ऋषि लोग भृगु ऋषि के साथ निवास करते थे एक दिन वह ये के लिए लेने वहां गए उनकी अनुपस्थिति में शंकर जी वहां आ गए तब क्या हुआ आगे देखते हैं ना इसी समय में साक्षात अब ये जो श्लोक है उसका अर्थ है इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त तो वहां गए वे साक्षात दिगंबर यानी नंगे अति तेजस्वी विभूति रामाय कामियों के समान दुष्ट चेष्टा करते हुए और हाथ में लिंग को धारण किए थे अब आप ऐसे समझो भाई इसको एक, एक मैं आपके लिए पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ना सुनो अब मेरे साथ साथ चलना राज पांडे भाई ना देखो घाना जंगल है भैया बहुत घाना जंगल है और बीच में आश्रम है समझे और वहां पे बहती एक शीतल एकदम नदी और जो ऋषि मुनि है वो उधर के लिए निकले भाई अपना और वहां पे आप जो उनकी जो बीविया हैं वो आपस में करके बात कर रही हैं अचानक से जंगल से एक आदमी निकल के आया भाई ना नंगा नंगा इंसान और उस नंगे इंसान का हाथ में लिंग है और वो लिंग को हिलाते हुए उनके सामने में आ रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है ना भाई देखो भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों के मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वो वहां गए थे मतलब उनको लगा चलो मैं इनको प्रसन्न करके आ जाता हूं उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई व्याकुल हो गई कई विस्मित होकर वहां आ गई अब भाई उनको लगा ये कौन आदमी यार जंगल से आ रहा एकदम और अपना लिंग को हिलाते हुए एकदम एकदम पूरा नंगा है ना और हाथों से पकड़कर उसे पर... परस्पर आलिंगन करने लगी इस प्रकार आलिंगन करने से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई इसी अवसर पर वे सभी श्रेष्ठ ऋषि वन से वापस लौट के आ गए वहां इस विरुद्ध कार्य को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए बोले भाई यार अभी चार मिनट पहले पांच दस मिनट पहले हम लोग गए यहां से और ये बंदा एक यहां से आया है नंग अनंग धड़ांग ना जटाजूट धारण किए हुए ठीक है और हाथ में लिंग एक ठोक लेके आ गए और हमारी जो पत्नियां चिपट पत रही है इससे उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित होकर ऋषि आपस में बोले ये कौन है पर शिव कुछ न बोला तो वे परम भयंकर पुरुष से कहने लगे मतलब यार आप किसी के कंपाउंड के अंदर आ गए हो ठीक है नंगे और वो सामने वाला पूछ रहा भाई कौन हो तुम हाँ हाथ में लिंग पकड़ के आए हो तुम और कुछ बोल भी नहीं रहे तो अब भाई वो लोग उनको गुस्सा आ गया उन लोगों को तो वो गुस्से में आके वो ऋषिगण कहने लगे तुम यह देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो इसलिए तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े समझे राज पांडे भैया हा, हाँ हाँ जी बोले ऐसा उन तो के करने पर वह उस अवधूत अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी समय कटकर भूमि पर गिर पड़ा समझे और वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा यानी लिंग जो है ना पर है सोचो आप समझे जमीन पर बड़ा बड़ा तड़ा पर है और उसके मुंह से सामने से सा आग निकल रही है वो जहां जहां जाता वहां वहां आग लगा देता मतलब वो जो लिंग है वो कभी जो जमीन है उसमें रेंग रहा कभी आसमान में उड़ रहा है एकदम से आग फेंके जा रहा है वह लिंग पाताल में तथा स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा कहीं पर भी स्थिर नहीं हुआ उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि भी दुखी हो गए कि कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए दुखी हुए हुए सब ऋषिगण मिलके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोलो कि हे देवताओं तुम लोग देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो भाई क्योंकि जिसका लिंग तुम काटे हो भगवान शंकर है यार तुम उसका लिंग काट दिए उस समय पर भक्ति से पूजित और सुसज्जित हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले कि क्या बोले भाई सुनो महादेव जी बोले हे देवताओं और ऋषियों आप सब मेरे वचन को आदर सुनो यदि मेरा लिंग योनी रूप से धारण किया जाएगा तो शांत हो जाऊंगा मैं समझे मतलब शंकर जी खड़े हैं वहां पे उनका लिंग कट गया कहानी ये चल रही है ना भाई समझे इमेजिन करो शंकर जी खड़े नंगे वहां उनका लिंग कट गया और उनका लिंग जो है वो पूरे धरती में भाई कयामत मचा रहा है जहां जा रहे हो हाहाकार इधर से आग फेंके जा रहे हैं फायर ब्रिगेड जैसे मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना और कोई धारण करने में समर्थ नहीं है पार्वती धा, द्वारा धारण किया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा भाई ये लिंग कैसा था यार

हाँ, मुझे मुझे नहीं पता इस बारे में फिर भी क्या सोचते हो आप मतलब क्या मतलब क्या क्या बोल रहे जी जी ये पूछ रहा हूँ नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में बलवान था बलवान हाँ मैं नहीं इसमें कमेंट नहीं कर सकता इसमें अरे करो ना ऐसे ही अरे आप तो मानते ही नहीं ना ये सब चीज को क्या फर्क पड़ता है यार करो ना कमेंट बलवान हाँ, नहीं, 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 नहीं कर सकता तो अरे तो नहीं ऑथेंटिक है ना, ना अरे तो भूल जाओ ना भाई ऑथेंटिक है वो वो भूल जाओ आप सिर्फ ये बताओ लिंक कैसा था नहीं कर सकता क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट आप शंकर जी के लिंक पे क्यों नहीं कमेंट कर रहे हो नहीं कर सकते इस पे हम लोग बताओ ना यार नहीं कर क्यों नहीं रहे हो आप हाँ नहीं क्योंकि ये वो है ना एकदम क्या बोलते हैं अश्लील लिखा हुआ है ना इसमें तो भाई वहां वहां पे भगवान राम का लिंग को जब पतला बताया तो वो अश्लील नहीं दिख रहा था आपको वहां पे मैं बोला ना कि वो, वो कोट किया दूसरे शास्त्र मैं मैं आपको यार फालतू की यार, बात यार ये ये सुन लो भैया पैतीसवा सर्ग है, है सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम यार जो पूछ लेते हैं एक बार भाई आपकी उम्र कितनी है यार हाँ बीस साल तब ठीक है चलो देखो अब दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ देख लीजिए भैया पैंतीसवा सर्ग है सुंदरकांड ठीक है सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के, के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना तो यहाँ पर स्पेशली राम की ही बात हो रही है कोई वॉरियर वॉरियर की बात नहीं हो रही है ठीक है जैसे एक डॉक्टर होता है डॉक्टर के लिए एक किताब होती है फिटनेस टेस्ट हर बंदे का, हर बंदे बंदे का के लिए इक्वली होता है पर वो ऐसा नहीं होता कि वो अनफिट रहेगा उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट पकड़ा देगा ऐसा तभी होता है जब वो फर्जीवाड़ा करे सही है तो आप समुद्र शास्त्र का सहारा लेके यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी ने उनको दे दिया कि चौदह अंग सही थे ठीक है अब यहाँ देखो तीसरे श्लोक में आता है अः श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह है उनका फिर से वर्णन करो जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार से शोक का समावेश ना हो मुझे बताओ भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है उनका रूप किस तरह का है उनकी जांघें और बुझाई कैसी है तो यहाँ पर स्पेशली किसी वॉरियर का नहीं हो रहा है यहाँ पर राम और लक्ष्मण की ही बात हो रही है ठीक है इसके बाद फिर जो पवन कुमार यानी जो हनुमान जी है वो फिर इसकी आ, व्याख्या करते हैं ठीक है तो व्याख्या कर, करते करते आ, ये आप देख पा रहे होंगे जो श्लोक नंबर सत्रह है उसमें आता है उनके तीन अंग वक्ष स्थल कलाई और मुठ्ठी स्थिर है भौहे बुझाए मेढू ये तीन अंग लंबे हैं केशों का अग्रभाग अंडकोश और घुटने ये तीन समान बराबर है वक्ष स्थल नाभी के किनारे का भाग और उधर ये तीन उभरे हुए हैं नेत्रों को नेत्रों के को कोने नख और हाथ पैर के तलवे ये तीन लाल हैं शिश्न के अग्रभाग दोनों पैरों के रेखाएं और सिर के बाल ये तीन चिकने हैं तथा स्वर चाल और नाभि ये तीन गंभीर हैं अगर ये बातें चौदह अंग के हिसाब से भी लिखी गई है और यहाँ पर अगर इसे एक्सप्लेनेशन दिया भी गया है तो भी इससे यही साबित होता है कि यहाँ पर स्पेशली राम की ही बात हो रही है और हाँ। हनुमान जी ने ये बातें कही हैं ठीक है थीके? पहली बात यहाँ पर समुद्र शास्त्र की बात नहीं है समुद्र हाँ। शास्त्र का नाम इस इस जगह में नहीं है ठीक है हाँ। अब यहाँ पर राम की बात हो रही है या तो हनुमान जी को पता है या तो हनुमान जी जो है वो सीता माता से झूठ बोल रहे हैं नहीं हनुमान जी को तो पता है ना नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप आप उनके सवाल का ऐसे जवाब मत दो ना भाई राज पांडे जी आप मेरे को ये बताओ सर आप ये स्क्रीन को सामने रखना न्यूटन सर ये बताओ वाल्मीकि हाँ। रामायण कब लिखी गई है वाल्मीकि रामायण अभी इस वो तो डिबेटेबल है ना मतलब फिर भी आपको क्या लगता है आ, मतलब जो वो तो बहुत पहले मतलब उसमें लिखी गई थी ना अपना जो राम का युग ताकि आगे बढ़े हम डेट नहीं है राम का युग जब था तभी लिखी गई थी मतलब आज से पांच हजार साल पहले मान लो नहीं नहीं राम तो त्रेता युग में लाखों साल पहले हो गया वो तो लाखों साल पहले मान लेता हूँ ठीक है आपकी बात को बोल रहा हूँ ना आप कह रहे हो हाँ। कि वाल्मीकि रामायण लाखों साल पहले लिखी गई है हाँ। न्यूटन सर आपकी भी जो स्क्रीन है इसको हम लेंगे एक सेकंड बस आप मेरे को दीजिएगा आजाद मेरी ये स्क्रीन एक मिनट शेयर कीजिएगा ना हाँ मगर आप वो स्क्रीन को रखिएगा ना न्यूटन सर ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ो तो यार थोड़ा सा

one of the earliest important works was composed in 12th century CE. इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताओ लोगों को हाँ मतलब कि वो बताया कि कब कंपोज हुई थी अर्लिएस्ट उसका क्या नहीं नहीं तारीख के साथ बताओ कब कब बताया जा रहा है इसमें हिंदी ट्रांसलेशन आ, में हिंदी ट्रांसलेशन, आ, ट्रांसलेशन 12th century यानी 12वीं शताब्दी में समुद्र शास्त्र लिखी गई है हाँ। लाखों साल पहले जो रामायण लिखी गई है उसमें भगवान हनुमान जो है आपका वहां से पढ़ लिया है ये तो मतलब डेट जो है वो वो नहीं रहती है ना तो क्या, क्या? इसे, इसे। ये तो जब मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है हम लोग को तब वो होती है ना अभी आपको जो मैं पढ़ाया थे थे। उसमें आपने क्या पढ़ा है हाँ, मतलब मैंने बोला नहीं, ये मुझे इतना नहीं ना, ना, ना आपको नॉलेज होना चाहिए यार, क्योंकि आप पे बात कर रहे भाई, और आप नहीं? ये कह रहे हो कि एक मिनट सुनो सुनो बीच में नहीं काटो आप ये कह रहे हो मेरे प्यारे भाई कि हनुमान जब राम के पतले लिंग की बात कर रहे हैं तो वो उस किताब की बात कर रहे हैं जिसका आपने नाम लिया समुद्र शास्त्र आपको हाँ। अभी मैंने पढ़ाया आपको मैंने पहले पूछा वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई आपने कहा लाखों साल पहले फिर आपको मैंने पढ़ाया कि समुद्र शास्त्र जो है वो बारहवीं शताब्दी में लिखी गई है ठीक है हाँ। तो आपके हनुमान जी बेसिकली लाखों साल पहले वो बात कह रहे थे जो बारहवीं शताब्दी में लिखी गई है नहीं बारहवीं शताब्दी का तो डेटिंग वो जो मैनुस्क्रिप्ट मिलती है उसके हिसाब से होती है ना यार आप

मतलब भाड़ में जैसा लाई है नहीं नहीं मैंने क्लेम नहीं किया ना मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया अच्छा एक बात बताओ आपका अभी जो ओपिनियन है अभी आपको क्या लग रहा है यार आप तो फिलोसफी के स्टूडेंट हो ना तो फिलॉसफी हाँ. में इसको क्या बोलेंगे मतलब अगर कोई लाखों साल पहले कही हुई बात लाखों साल पहले कोई आदमी वो बात कह रहा है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई है फिलॉसफी में इस पूरी चीज को क्या कहते हैं मतलब क्योंकि जो शब्द में क्या है? कहते हैं ना ना अभी इधर उधर नहीं संस्कृत छोड़ क्या कहते हैं फिलॉसफी आप तो यार देखो पीछे यार पतला लिंग प्राणी आ गए हाँ भाई देखो यार धर्म बचाने के चक्कर में कुत्ता ना काट ले भाई नहीं वो मेरा पेट बात कर रहा है ना इसके लिए आपसे बात कर रहा है दैथिली लाम बोल दो मेरा उसको हाँ बोलिए क्या बोले था? हाँ हाँ तो चलो ये बताओ आप मेरे को इस टर्म को फिलोसफी में क्या कहते हैं कि जब अगर मैं आपको कोई ऐसी बात कह रहा हूं, कि लाखों साल पहले किसी ने ऐसी बात कही है जो बारहवीं शताब्दी में लिखी हाँ, गई है ऐसी बात को फिलोसफी में क्या कहते हैं हाँ तो फॉल्स बोलेंगे ना ये तो फिर फॉल्स नहीं बोलेंगे एप्सर्ड बोलेंगे हाँ है ना यही है ना एप्सर्डिटी हाँ फिलोसफी में हाँ, बराबर तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप इतने अगर आप फिलोसफी की स्टूडेंट हो और आप कह रहे हो भाई कि मैं तो जो आर्कोलॉजी इसको भी नहीं जानता चलो अब मैं आपके कुछ प्याज की परतें निकालते हैं आ, आ,

शरीर में जो दो दो की संख्या में चौदह अंग होते हैं वे भी उनके परस्पर सम है स्पेशली राम के लिखा गया है है ना शरीर में शरीर में जो दो दो की संख्या में चौदह अंग होते हैं वे भी उनके यानी राम जी के परस्पर सम है अब चौदह अंग क्या क्या, क्या होते हैं ये देखिए स्टार पे मैं ये क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर भाहे नथुने नेत्र कान स्तन कोहनी कलाई जांग घुटने अंडकोश कमर के दोनों भाग हाथ और पैर अब ये स्पेशली राम के लिए लिखा गया है और ये राम जी आ, और ये जो हनुमान जी जो हैं ये राम के बारे में स्पेशली स्पेसिफाइड फॉर राम ये सीता को बता रहे हैं तो या तो हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं पहला अपना होता है या हनुमान जी ने राम जी को एग्जामिन किया है क्योंकि स्पेसिफिकली वो रामपी लिखा गया है उसमें कोई समुद्र शास्त्र या किसी वॉरियर की वहां पर बात नहीं हो रही है ठीक है श्लोक नंबर उन्नीस जी अमित जी मेरे को इतने ही बताना था हाँ। हाँ भाई चलो दूसरे हाँ। पे आते हैं एक यार देखो आप हेलो हाँ बोलिए ना क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे है, बात पहले उसको समझा लो हाँ, मतलब मैं बोल रहा कवि है है वो ना, क्या है पीछे से वो तो आप वो आप, आप वो वो बात आगे से <laughs> लो, वो क्या बोल रहा है भाई उसको लाम बोल दो बस एक बार आजाद मेरी स्क्रीन शेयर करना अच्छा ये कौन है भाई ये कौन है ये जो सामने में आपको दिख रहा है क्या लगता है आपको ये कौन होगा स्कल है ना ये किसका स्कल है ये ह्यूमंस का लोग वाइल्ड गेस मारो मैं ठीक करूंगा उसको आप मतलब मैं कोई ऐसा नहीं आप कोई भी वाइल्ड स्कल वाइल्ड गेस मारो किसका स्कल है ये ह्यूमंस का लोग ह्यूमंस स्कल बहुत अच्छे ये आपको पता है ये जिबिल इरहुद में मिला है ये ह्यूमंस स्कल तकरीबन 3 लाख 15 हजार साल पुराना ये आज तक के जितने ह्यूमंस स्कल मिले हैं उसमें सबसे पुराना है ठीक है तो हम ये अब कह सकते हैं कि हम मेरे आपके जैसे और आ, 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 पतले लिंग वाले राम भगवान के जैसे आपके दिखने वाले जो होमोसेपियंस है ना ठीक है ये तकरीबन हम इसकी डेटिंग ओल्डेस्ट में हम लेके जा सकते हैं कि वो तीन लाख साल पुराने हैं हम आप लाखों साल पहले पहुंचा दी तो आपके राम भगवान क्या वहां थे क्या अफ्रीका में ये जिबिल इरहुद अफ्रीका में भाई मोरक्को में ये कहीं जामवंत का स्कल तो नहीं है एक मिनट रुकना भाई न्यूटन जी वो जरूरी बात कर रहे हैं ना उनसे अपने डॉगी से आएंगे अभी हाँ 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 जी जी अमित जी मैं सुन रहा हूँ ना मेरे को लग रहा है कुछ क्राइसिस हो गया है वो हाँ, पुली, पुली। नर, हाँ, कर ली बात कर, कर ली सब ठीक है ना ठीक है सब हाँ, हाँ. से बात हो गई हाँ ये जो स्कल है भाई ये तीन लाख साल पुराना है तो हम ये मान सक, हम अब आर्कियोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि मेरे आपके जैसे दिखने वाले जो होमो सेपियंस है ना हां तकरीबन तीन लाख साल पुराने हम इवॉल्व हुए ठीक है होमो इरेक्टस की अलग से एक पूरी शाखा चली जाती वो कुछ दूसरी बात चली जाएगी पूरी तो लाखों साल पहले क्या राम भगवान वहां थे क्या अफ्रीका में वो आ, मैंने बोला ना मेरा इतना लॉ नहीं है इस पे

दिल पे हाथ रख के बोलो भाई मैं आपको तीन हाँ। लाख साल पुरानी खोपड़ी बता रहा हूं अब ये बात ये जो खोपड़ी है ये ये सच बोल रही है कि आपका जो त्रेता युग है, वो सच बोल रहा है दिल पे हाथ रख के बोलना मतलब क्योंकि हम लोग बन होते हैं ना तो हमारा फौसल मिलना मुश्किल है ना क्या हम लोग हम लोग जो जो मरते हैं तो बन होते हैं ना जो हिंदूज हैं तो हमारा मिलना मुश्किल है ना भाई ए मेरे भाई ए मेरे प्यारे भैया मेरे प्यारे भाई सिर्फ हाँ। हिंदू ही होमोसेपियन नहीं है यार दुनिया में और और भी और भी लोग एग्जिस्ट किए हैं भाई मैं होमोसेपियंस की ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ यार तो हाँ। ये बात जरूरी नहीं है कोई आपका तीस करोड़ साल पुराना एक हिंदू मिल जाता है यार हा? तो वो तो नहीं मिला जो सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है पूरी दुनिया में वो तीन लाख साल पुरानी होमोसेपियन की खोपड़ी है यार ये ना हिंदू है ना ईसाई है ना मुस्लिम है ये कुछ नहीं है भाई इसको घंटा नहीं पता था उस समय रिलीजन का उस समय तक लैंग्वेज ठीक से इवॉल्व नहीं हुई थी यार कहा पहुंच गए आप कि हमारा हिंदू लोग को जला देते हैं तो जब आपका हिंदू लोग को जला देते हैं तो क्या आप का जो खोपड़ी है, रहा पीछे रहा रहा लगा है यार, कैसे कर रहे हो भाई अरे ऐश हो जाती है पूरी बॉडी अब तो हड्डी नहीं बसता क्या बहुत एकदम वो छोटी छोटी बस्ती है ना वो भी तो कहा जाते हड्डी कहा जाता है कहाँ जाता है पानी में हम लोग आ देते हैं ना वो भी अच्छा और जो फॉसिल्स है वो कैसे बनते हैं सॉरी फॉसिल्स कैसे बनते हैं आपको पता है नहीं फॉसिल्स बनते हैं किसी ऐसी जगह में अगर कोई आ, आ, किसी भी जानवर का या इंसान का बोन जो है वो किसी ऐसी जगह में है जहां पे पहले से नदी है तो वो नदी के बेड में जो रिवर बेड है बेसिकली वो उसको दबाती चली जाती है वक्त के साथ जब वो जो रिवर है वो अपने कोर्स को बदलती है तो वो तब तक फॉसिल बन चुका रहता है इस तरह से आपको दुनिया में जितने फॉसिल्स है वो मिले हैं तो इस हिसाब से तो हिंदुओं के फॉसिल ही फॉसिल मिलने चाहिए यार क्योंकि आप तो पहले ही नदी में बहा देते हो

तो तो इसे तो तो बोल रहा हूँ यार तो, तो, देखो राज, राज भाई सुनो मेरे प्यारे भाई अब दिल पे हाथ रखो मॉडर्न एजुकेशन लिए हो कभी तो सच बोलो यार एक ऐसा सेकंड अपनी लाइफ का ऐसा रखो कि जहां पे मेरा जो कॉन्शियंस है वो ऐसा अगर कभी टेस्ट हुआ ना तो मैं सच्ची चलो बोल देता हूँ भाई रिलिजन को दो मिनट साइड में रखो दिमाग क्या बोलता है ये बताओ ये खोपड़ी सही बोलती है कि त्रेता युग सही बोलता है हाँ दिमाग तो त्रेता युग सही बोलता है दिमाग आपका त्रेता युग सही बोल रहा है हाँ क्योंकि फिलोसफी के लिए अगर हम चीजें देखते हैं तो बहुत सी जो फिलोसफीज है वो मैच होती है यार, कॉमिक्स है, यार कॉमिक्स आप इस बार बताओ आप फिलोसफी को पढ़ते हो तो किसको किसको पढ़ रहे हो आप एरिस्टॉटल को पढ़े हो हाँ मतलब मैं अभी तो के बारे में क्या बोलता है लॉजिक के बारे में क्या बोलता है एरिस्टॉटल लॉजिक लॉजिक भी मतलब वो है ना पाइथन टू परसेंट डिपेंड होता है ना नहीं नहीं एरिस्टोटल लॉजिक के बारे में क्या बोलता है मतलब एरिस्टोटल लॉजिक के बारे में क्या बोलता है यार आप पढ़ रहे हो ना भाई आप तो फिलॉसफी पढ़ रहे हो यार मैं तो फिलॉसफी स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन मैंने अरिस्टोटल को पढ़ा है यार हां सबसे पहली बार फॉर्मल सिस्टम ऑफ रीजनिंग इंसानों को उसी इंसान ने दी है यार ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो चलो बताओ वो क्या बोलता है लॉजिक के बारे में क्या बोलते है? क्या चीज है लॉजिक रीजनिंग है लॉजिक अरे क्या है तो रीजनिंग का तो भी मैं बोला है क्या चीज वो बताओ ना भाई मैं 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 आपको क्वेश्चन समझा नहीं भाई लॉजिक एक ऐसा अप्रोच है जिसमें जो तथ्य जो भी हमको फैक्ट सामने में दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पे सच तक पहुंचना ठीक है एप्सोलूट जिसको हम कहते हैं फॉर्मल सिस्टम ऑफ रीजनिंग इसको कहते हैं लॉजिक और आप फिलोसफी के स्टूडेंट हाँ और आप कह रहे हो कि आपका त्रेता युग सही और लाखों साल पहले राम और हमको तीन लाख साल पुराना खोपड़ी मिल रहा है वहां पे अफ्रीका में हाँ। तो यार अगर आप आप तो आपको पता है आप आप आपने जो आर्कोलॉजी की दुनिया में पूरी आग लगा दोगे आप मालूम आग लगा देगा आग लगा देगा लड़का ऐसे बोलेंगे सब आपको अगर आपने ये साबित कर दिया कि लाखों साल पहले राम जो है वो एग्जिस्ट करते थे उनकी खोपड़ी मिली थी ये करो आप और पापा का एक लाख रुपए मत ऐसे जाया करो यार आप देखो भाई मैं फिलोसफी का भी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ लेकिन आप मैं, बहुत, यार, मैं, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ कभी क्योंकि देखो जो नॉलेज होता है वो हमेशा कम होता है लेकिन मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा वेल well रेड आदमी हूँ मेरे प्यारे भाई वो भी हाँ अभी, अभी अभी आप अनम्यूट करो वो भी पीछे से हाँ बोलेगा आपके <laughs> मतलब ऐसा नहीं है मतलब क्योंकि देखो हाँ बोला